नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल लिए चलते हैं आपको, जहां पर सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी है। दमकलों ने मोर्चा संभाला है, आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर यह आग लगी है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना का ऑफिस है और भीषण आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। दमकल की 10 से 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया। पुलिस का कहना है कि 50% आग को बुझा लिया गया है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते सभी लोगों को भवन से बाहर निकाल लिया गया और भवन को खाली करवा दिया गया। और गनीमत यह भी थी कि कोई जनहानि, कोई हताहत नहीं हुआ है इस हादसे में। भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, कोई कह रहा है कि धूम्रपान की वजह से आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी आग लगने की वजहों के पीछे। क्या कुछ माहौल है वहां पर, क्या कुछ हालात है, वो हम जान लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या हो रहा है वहां पर और क्या हालात अभी? देखिए, आग पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया जा सका। आग लगातार तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और अब पांचवी मंजिल तक जा चुकी है। ये देखिए, आप देखिए ऊपर किस तरह आग फैलती जा रही है। आप देखिए कि किस तरह का फायर ब्रिगेड का हमला लगातार पानी की बुछारे मार रहा है, लेकिन अब स्थितियां ऐसी लग नहीं रही कि अभी कुछ देर और आग बुझ पाएगी। आग अब दूसरी मंजिल से चौथी, उसके ऊपर पांचवी मंजिल तक जा चुकी है और आप देखिए छठी मंजिल तक धुआं आग बढ़ती ही जा रही है और ये लगातार इसके चौथी पांचवी छठी मंजिल पर आप देखेंगे कि ये पूरे स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर है यहाँ पर और स्वास्थ्य विभाग की तीनों जो फ्लोर है, तीनों जो मंजिल है वो पूरी आग की चपेट में है और अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि फिलहाल आग पर काबू पाने की स्थिति बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और लगातार यहाँ एक बड़ी नाकामी सामने आ रही है फायर ब्रिगेड की या प्रशासनिक। एक हम देखे तो ये बहुत ही बड़ा फेलियर है कि यहाँ पर मंत्रालय और उसके बाद ये सबसे बड़ा सतपुड़ा भवन संचालन यहाँ से डायरेक्टरेट संचालित होता है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद भी यहाँ पर इतनी बड़ी 7 मंजिला इमारत है लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसे इंतजाम नहीं थे। यहाँ पर ना फायर सिस्टम थे, यहाँ पर ना ही ये नजर आ रहा है कि किसी तरह के आग बुझाने के दूसरे उपकरण थे। सब कुछ फायर ब्रिगेड के कुछ पानी के भरोसे है, दमकलों के, और अभी तक 5 से 6 टैंकर पानी डाला जा चुका है। लेकिन अब फिर आप देखेंगे स्थिति तो यहाँ पर पानी बार बार खत्म हो रहा है। देखिए ये बड़ा ही ये स्थिति है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार पानी खत्म हो चुका है। वो पानी खत्म होता है और उस बीच फिर आग और विकराल रूप ले लेती है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी इमारत होने के बाद, प्रशासनिक दफ्तर संचालित होने के बाद भी यहाँ पर इस तरह का कोई इंतजाम नहीं था और ये बड़ा प्रशासनिक लापरवाही हम इसे कह सकते हैं कि सरकार का सिस्टम किस तरह काम करता है और किस तरह इतनी प्रशासनिक इमारत में अगर फायर उपकरण नहीं हो तो आप कल्पना और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लापरवाही सामने आई है। 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है, आग पर काबू नहीं पाया। देखिए आप फिर देखिए ये तेज आपको नजर आ रहा है, ये आग की लपटें और तेज उठ रही है। अभी देखिए तीसरी, चौथी, पांचवी, अब छठी मंजिल पर आग की लपटें हैं। छठी मंजिल पर देखिए आप आग की लपटें कितनी कितनी ज्यादा है, तो आप समझिए कि आग कितनी अंदर ही अंदर फैलती जा रही है। और ये देखिए आप आग ये पानी की बुछारे देखिए वहां मारने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए एक और चीज है, या प्रशासनिक फायर ब्रिगेड के हमने तो एक और बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि जिस जगह आग फैल रही है, जिस जगह धुआं बढ़ता जा रहा है उसके पास यहाँ पर मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते हैं। तो अब एक नई समस्या है कि वहां पर धुआं नहीं जाए और वहां पर किसी तरह का, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के काफी बड़े छत्ते नजर आ रहे हैं और ये कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। और ये देखिए आप फिर देखिए हम वापस पांचवी मंजिल पर, देखिए ये पानी बहुत सारे पांचवी मंजिल पर मारी जा रही है और आग बढ़ती ही जा रही है। पीछे का हिस्से का जो इमारत थी उससे होते हुए अब आग आगे की तरफ बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है और अभी तक आग पर काबू पाने के कुछ हालात नजर नहीं आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड का हमला भी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आग बुझाने में भी नाकाम साबित हो रहा है। अभी 5 से 6 टैंकर पानी लग चुका है और अभी ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 10 से 12, आप देखिए
आप देखिए इधर बढ़िया बढ़िया पानी, ये कमल नगर जो है यहाँ पर जो प्रशासनिक अफसर है राज्य प्रशासन, सर सर किस तरह थोड़ा सा आप अभी तक कितनी देर से लगे आप लगातार बता रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि किस तरह से, करीब एक घंटा हो गया है और सबसे पहले आग जो लगी थी सड़क पर भी ड्राइवर का लगा हुआ, उसके बाद तो फोर्स चला गया और अब अभी करेंटली फिफ्थ में आग पहुंच चुकी है और कोशिश कर रहे हैं कि पानी के माध्यम से उसको बुझानेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो लेंथ है वो कम है और हम लेडर के माध्यम से वहां पर जा नहीं रहे हैं, इसलिए वो आग को बुझाने की प्रॉब्लम आ रही है। और कितनी क्या लगता है कितनी देर में आग पर काबू पाया जा सकेगा, आपको क्या लग रहा है हालात को लेकर? लग रहा लगभग आधे घंटे और मिनिमम लगेगा। और आप लगातार निर्देश दे रहे हैं, आप यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और आप और मल्लिका निगम नागर जी भी यहाँ पर लगातार आप दोनों यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा फायर ब्रिगेड के आने में देरी हुई है उस वजह से आग दे ली है, क्योंकि ऐसा है फायर जो आग हो गई प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाइप है ना एक कम है तो अब देखिए कमल नागर बता रहे हैं कि किस तरह से स्थिति है और किस तरह से आग देखती जा रही है और अभी आधा से एक घंटा वो लग सकता है, देखिए पानी सारे लगातार चारों तरफ आप फायर ब्रिगेड पानी की बुझारे मार रहा है लेकिन आग पर काबू होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये बड़ा लापरवाही या बड़ी गलती सामने आ रही है कि इतने बड़े प्रशासनिक इमारत के लिए कोई इंतजाम नहीं हुए। आप देखिए और आग चौथी पांचवी छठी मंजिल तीनों पर है, अब आग पूरी और ये तीनों यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग सारे दस्तावेज सारी फाइलें यहाँ जितने कंप्यूटर फर्नीचर सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और अभी भी नहीं बताया जा सकता है कि आग कब बुझेगी, क्योंकि ये लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासनिक अमला भी लगा है और अभी भी कुछ भी फायर ब्रिगेड कर्मी बताने की स्थिति में नहीं है कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा और सबसे बड़ा लापरवाही और ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो संसाधन है इस पाइप से पानी की बौछारें मारी जा रही, वो पाइप भी छोटा पड़ रहा है तो बार बार जहाँ पानी की बौछारें मारी जानी चाहिए वहाँ तक अभी तक पानी ही नहीं पहुँच पा रहा है। और देखिए आप थोड़ी थोड़ी देर में आपको तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पांचवी मंजिल की किसी भी हिस्से से अचानक से आग नजर आएगी कि फिर वो थोड़ी देर में आग पकड़ लेती है। तो अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड का हमला अभी नाकाम हो रहा है इस बड़ी आग को बुझाने में और कितनी देर लगेगी ये भी बताने की स्थिति नहीं है। और अब देखिए आप ये देखिए तीसरी मंजिल पर फिर आग, अभी यहाँ से तीसरी मंजिल पर आग पर काबू पाया गया था लेकिन फिर से वहाँ पर आग लपटे दिखाई दे रही है, ये आग की लपटे फिर तीसरी मंजिल पर है। अब फायर ब्रिगेड का हमला पांचवी और छठी मंजिल पर पानी की बौछारें मारकर आग बुझाने के लिए लगा हुआ है लेकिन अब देखिए कि ये तीसरी मंजिल पर फिर आग नजर आ रही है, आग की लपटे उठ रही है। ये गनीमत रही कि आग पर जैसे ही पता लगा कि आग या धुआं उठा तो कर्मचारियों यहाँ पर मानिए आपकी 2000 कर्मचारियों का रोजाना आवागमन होता है या करीब 10 ऐसे विभाग है जिनके IAS अफसर जिनके प्रमुख संचालक और ये सब इसी बिल्डिंग में इमारत में ही बैठते हैं तो आप देखेंगे कि सभी से समय रहते ये इमारत खाली करा ली गई थी तो किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन जो दस्तावेज है या जिस तरह के हालात हैं उससे लग रहा है कि सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा है और काफी दूर तक आप नजर देखिए मारेंगे तो आप देखिए कि कितनी दूर तक आग फैली हुई है और चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में नहीं है और हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले हिस्से में भी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम लगी हुई है और वो अंदर जाने के प्रयास भी कर रही लेकिन इतना ज्यादा धुआं है कि फिलहाल
अंदर तो फायर ब्रिगेड का अमला नहीं जा सकता है, तो केवल दूर से पानी की बौछारें मारी जा रही है और अभी आग पर कब तक काबू होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और लगातार आप देखिए कि आग बढ़ती जा रही है, जितने संसाधन है फायर ब्रिगेड के वो सब कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है और के बुझाने में और काफी समय लग सकता है। पर अब ये साफ है कि बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, फिलहाल कोई जनहानि नहीं होने के सूचना है। और दूसरा ये भी देखने में आया है कि यहाँ पर जिस तरह का ऐसा सामान रखा हुआ था, जो बंडल बैग चौकी चौकी वाले थे, जो गट्ठर थे, उनमें किसी में आग किसी ने बीड़ी पीकर या सिगरेट पीकर आग कोई चिंगारी गई और उससे आग फैली, ऐसा यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है। तो ये बड़ा ही लापरवाही वाला नजारा है कि इतनी बड़ी इमारत में किसी तरह के कोई उपकरण, किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और आग लगातार बढ़ती जा रही है, धुआं ही धुआं देखे नजर आ रहा है। और अभी हम एक ही हिस्से पर हैं, दूसरे हिस्से में क्या स्थिति अभी ये तो बताना भी मुश्किल है, क्योंकि दूसरा हिस्सा भी आग की चपेट में आ चुका है। तो ये सारी स्थितियां अभी कुछ देर बाद ही साफ होगी कि आग कितनी ज्यादा। देखिए फिर आप देखिए, फिर आपको फिर एक आग फिर मंजिल पर आग पकड़ रही है, फिर एक हिस्से में स्वास्थ्य विभाग की जो हिस्सा है दफ्तर का, उस पर अब आग का रोज दिख रहा है। आप देखिए तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी इमारत के हिस्से में आग, किसी न किसी हिस्से में आग आपको लपटे नजर आएगी, किसी न किसी से मुझे देखिए फायर ब्रिगेड का पूरा यहाँ पर आपदा प्रबंधन की टीम आ गई, SDERF की टीम आ चुकी है, आपदा प्रबंधन की टीम भी अब यहाँ पर आ चुकी है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के अलावा। SDERF की टीम, प्रबंधन की टीम आ चुकी है। ऐसा लग रहा था कि फायर ब्रिगेड का हमला थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा है। ठीक है शैलेंद्र, आप नजरें बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ से खबर है जहां हॉस्टल में दो मासूम छात्राओं के साथ दुष्कर्म हुआ। हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप है, पुलिस ने हॉस्टल संचालक उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 6 साल की और 9 साल की मासूम छात्राओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां हॉस्टल में दो मासूम छात्राओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप है, पुलिस ने हॉस्टल संचालक उसके भाई को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर दिया। 6 साल की और 9 साल की मासूम छात्राओं के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। तो टीकमगढ़ में एक बार फिर से दरिंदगी हुई, हॉस्टल में मासूम छात्राओं के साथ दुष्कर्म, हॉस्टल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने हॉस्टल संचालक और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। गाँव में एक पुष्पा कोचिंग सेंटर के नाम से एक हॉस्टल कम कोचिंग संस्थान चलता था, जिसके संचालक था कुलदीप और सुदीप। तो सुदीप यादव जो है उसने नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है और उस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सभी बच्चों को मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए पुलिस ने उनके पेरेंट्स के सुपुर्द किया है। तो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 9 साल यहां पर बताई जा रही है, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है। हॉस्टल के संचालक को दुष्कर्म का आरोप है, संचालक और उसके भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम टीकमगढ़ का रुख कर देंगे, हमारे सहयोगी राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, खरगापुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां जो हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, क्योंकि कोचिंग क्लास पढ़ाने वाला ही हॉस्टल संचालित कर रहा था, जिसके बाद जो मासूम बच्ची वहां पर रहती थी तो उनके साथ जो दुष्कर्म की घटना सामने आई है। तो दो बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया है हॉस्टल संचालक ने, तो इसके बाद जैसे ही
उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी लगी तो परिजन तुरंत मामले की जानकारी थाने में शिकायत की और थाने में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली, जिसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आया है क्योंकि यह अवैध रूप से हॉस्टल का संचालन यहाँ पे किया जा रहा था और प्रशासन को इस मामले की भनक भी नहीं थी क्योंकि यह हॉस्टल कब से संचालित किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो गांव में हॉस्टल संचालित किया जा रहा था यहाँ के जो तमाम अभिभावक हैं वो मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं और मजदूरी करते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल में रखकर जाते हैं और सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं तो ताकि ट्यूशन भी मिले और बच्चों के रहने की व्यवस्था हो, इस वजह से इनके जो माँ बाप है उन्होंने यहाँ पे रखा था और उनकी जिम्मेदारी उनको हॉस्टल संचालक के ऊपर छोड़ी थी, लेकिन हॉस्टल संचालक ने जो दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गंभीर बात यह है कि यह हॉस्टल अवैध रूप से संचालित हो रहा था और प्रशासन को इस बात की भनक भी नहीं थी। बिल्कुल, अवैध रूप से हॉस्टल के संचालन की बात यहां पर सामने आई। राजीव, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में फिर हर्ष फायरिंग हुई और जन्मदिन पर युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आया, भीड़ के बीच फायरिंग करता हुआ युवक दिखा है, पिस्टल से हवाई फायर कर रहा युवक, जनकगंज थाना के टोलीबुआ के पुल की घटना है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर में फिर से हर्ष फायरिंग हुई है, जन्मदिन पर युवक ने हर्ष फायर किया, एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आया। इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।